कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल से सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है प्रियंका की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि प्रियंका ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती हैं, हाय मैम, आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये सेमी सक्सेस स्टोरी है, ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए चाय पीते पीते पढ़िएगा। ओके, जब मैं इसे नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़ूंगी तो चाय पीते पीते पढ़ लूंगी, अभी मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ और मैं कुछ साल पहले इंडिया आई थी स्टडी के लिए। अब मैं वापस आ गई हूँ नेपाल में। वहाँ पर इंडिया में मेरा एक दोस्त बना था, एक्चुअली वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए थे। हम दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर के कुछ फीलिंग्स भी थी। इस लॉकडाउन में मैंने उनसे कन्फेस किया कि मैं रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरा महीना ले लेने के बाद जब पूरा महीना बीत गया तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके अंदर मुझे लेकर के कुछ भी फीलिंग्स नहीं है और ये डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा, विच इज़ एक्चुअली हार्ड। तो मैं डर गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपना दोस्त भी खो दिया और अपना बॉयफ्रेंड भी खो दिया। टूट गई मैं पूरी तरीके से टूट गई और मैं ये रोने लगी ये सोच सोच करके कि मेरा दोस्त भी गया और मेरा बॉयफ्रेंड भी गया। मैं रो रो करके उनको मैसेज लिखने लगी, लेकिन मेरी किसी भी चीज़ ने कोई भी काम नहीं किया। मैं लगातार रो रो करके उनको मैसेज करती रही, बट किसी भी चीज़ ने एक्चुअली काम नहीं किया। फिर जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ था उसी के अगले दिन YouTube रिकमेंडेशन में आपका एक वीडियो आया, जिसमें एक इंसान की सक्सेस स्टोरी थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने मेडिटेशन किए थे, स्क्रिप्टिंग की थी, और मुझे समझ में नहीं आया कि स्क्रिप्टिंग एक्चुअली क्या होता है। उस वीडियो के जस्ट नीचे आपका ही एक वीडियो था स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड, मैंने वो देखा और बस मैंने स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया। विद इन 5 डेज उनका मुझे मैसेज आया और उनका मैसेज देखते ही मैं बुरी तरीके से डेस्परेट हो गई और डेस्परेट होके मैंने एक्चुअली सारी चीज़ें और बुरी तरीके से ख़राब कर दी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कह दिया। उसके बाद में मुझे लगा कि बस अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैंने और भी चीज़ों को और भी बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। उसके बाद मैंने फिर से आपकी एक और सक्सेस स्टोरी देखी और फिर से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और ये सोचा कि लेट गो करूँगी। ये तो मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे लेट गो करना है, लेकिन मैं लेट गो कर ही नहीं पा रही थी। पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे लेट गो नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने आपको कॉमेंट किया कि मैं अपने आप को शांत करना चाहती हूँ, लेट गो करना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कमेंट करने के बाद में मैंने थोड़ी देर के बाद जब फिर से YouTube खोला तो उसमें आपका ही वीडियो था कि लेट गो कैसे करना है। मैं बुरी तरीके से शॉक्ड हो गई। अब मैंने सोचा कि अब तो यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है और मुझे इसी तरीके से लेट गो करना है, बस बेटा इस तरीके से करूंगी तो लेट गो हो ही जाएगा। फिर वो बॉटल और ग्लास वाला टेक्निक मैंने किया एंड सच्ची मैम विद इन 3 आवर्स मैं लाइट फील करने लगी। मेरे जो दिल के अंदर एक महीने से दर्द था वो दर्द पूरी तरीके से निकलने लगा। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी लेकिन इस बार मैं रो नहीं रही थी, एक्चुअली दुख नहीं रहा था कुछ भी। फिर से मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया जो मैं स्क्रिप्टिंग में कर रही थी, मेडिटेशन फिर से करना शुरू किया, विजुअलाइज भी करना शुरू किया। और उसके बाद में मैंने देखा कि इंटर्नशिप ऑनलाइन का काम आया हुआ है और मैं मुझे अब अपने काम के ऊपर फोकस करना है। बस उसके बाद में मैंने एक्चुअली वो करना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरे काम को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। मैम एक हफ्ते के बाद ही मुझे कंपनी से कॉल आ गया जहां पर मैंने 3 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था, वहां पर अब मेरी कल से ज्वाइनिंग है, ऐसा करके उनका मैसेज आया कि यू कैन ज्वाइन कल से, ये लिखा है इन्होंने। और उसके बाद मुझे लगा कि अरे वाह चलो, अब मैं एक्चुअली हंसते हंसते रो रही थी और मेरी मम्मा डर गई कि क्या हो गया इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने अपनी रोज़ की आदत बना ली थी कि आपका वीडियो मुझे ज़रूर देखना है। और उसमें पहले आपने बोला हुआ था कि पॉजिटिव वर्स्ट डे में पॉजिटिविटी निकालो,
अच्छा हाँ, ये जादू प्रैक्टिस में है कि आपका अगर दिन बहुत ज्यादा बुरा बीता है तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी निकालनी है। तो ये उन्होंने वो वाला वीडियो देखा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो रिलेशनशिप मैंने खराब किया है, इसके अंदर क्या नेगेटिविटी थी, क्या किया था मैंने। तब मुझे समझ में आया, अरे मैं ही तो सोचती थी कि अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर क्या होगा, और लो हो गया, मैंने खुद ही तो मैनिफेस्ट किया है। लेकिन अब मैं ऐसी सब चीजें नहीं करती हूँ। अब मैं आपको देख करके एक्चुअली इतना तो समझ ही गई हूँ कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। और एक बात आपको सच बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा लाइट फील करती हूँ, पॉजिटिव होती जा रही हूँ अपनी लाइफ को देखने के नजरिए में। मैं ज्यादा स्माइल करती हूँ, टेंशन कम लेती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, एक्चुअली मैं हील हो गई हूँ। मैं हमेशा 18 18 20 20 टाइप के नंबर्स को देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि वाओ, यूनिवर्स मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मैनिफेस्ट कर लूँगी, वो आए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। अपनी लाइफ को बस जस्ट मैं अब एक्चुअली ग्रोइंग मोड पर लगा चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हूँ। एक हेल्दियर रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। मुझे अब ऐसे ही ख्याल आते हैं, उनके बारे में भी मुझे अच्छे ही ख्याल आते हैं ना। मैं अपने आप को अब ब्लेम करती हूँ और एक्चुअली अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फेथ के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। रिलेशनशिप होगा तो बेहतरीन होगा, अब जैसा भी होगा बस बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने 1 महीने में एक तरह से मुझे ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, मेरे सोचने का तरीका बदल दिया और मुझे भी बदल दिया। ओह थैंक यू सो मच प्रियंका, आई लव यू। देखिए मैं तो आप सब लोगों के लिए ये करती हूँ, उसके अंदर से इस लेवल पर जाकर के अपनाना एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को उस चीज़ को अपनाना होता है, अंदर डालना होता है। मैं बता दूंगी और उसके बाद मैं लेट गो नहीं हो रहा है, इनसे भी नहीं हो रहा था। लेट गो एक्चुअली इतना आसान नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और लेट गो हो गया, किसी से प्यार किया है तो वो लेट गो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उस पर कोशिश करेंगे, सारा टाइम उस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दे करके लेट गो की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली ईजी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, लेट गो की कोशिश तो करते हैं बट उससे ज़्यादा ध्यान हमारा उस चीज़ के ऊपर होता है। इनकी कहानी में जो सबसे खूबसूरत बात थी, सेल्फ लव की तरफ ध्यान आ चुका है, अपनी जिंदगी की ग्रोथ की तरफ ध्यान आ चुका है, अपने काम में भी एक्चुअली इन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया उस एक इंसान से ध्यान हटा करके। रोई हैं ये भी, टूटा है दिल, बुरी तरीके से सब कुछ हो चुका था, खुद ही उनके मैसेज आने के बाद में चीजों को ये खुद खराब कर चुकी थी। लेकिन अब क्या सोचा, अब जो होगा मेरी लाइफ में बेहतर होगा। एक्चुअली ये एक उस इंसान की निशानी होती है जो ऐसा सोचना शुरू कर देता है जो एक्चुअली हील हो चुका होता है। तो अगर आप भी अपने आप को हील करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इजीली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ कर करके इजीली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होंगे, आप सेल्फ लव करके, अपना ख्याल रख के, अपने बारे में सोच के, अपने करियर के बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के, अपनी लाइफ की ग्रोथ के बारे में सोच के, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच के। यही एक गलती होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब वहीं पर ही दिमाग है, वहाँ से निकलना ज़रूरी है। आपका लाइट होना, आपका खुश होना, आपका टेंशन कम लेना, आपका स्माइल ज़्यादा करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रियंका ने किया। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू प्रियंका। और अपना अपना रखिए आप सब लोग ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।